हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं राजविंदर तुहाडा स्वागत करदी हाँ मेरे चैनल राजविंदर के ते। अज आप बनावे बेसन की बर्फी, बिकॉज हम त्यौहारों का दिन चलते हैं। सो फस्टली आप लेना है घे। तुम घे जो देसी घे चे बनाने, देसी घे ज़्यादा वधिया बनते हैं। तो आप एक कप का चौथा हिस्सा, मतलब कि तीन हिस्से जी आप देसी घे लेना है। तो दो कप आप जो बेसन लेना, बेसन जो आप बरीक लेना, मोटा बेसन नहीं लेना है। तो जो थोड़े को मोटा तुम्हें मिक्सी में बरीक कर सकते हैं ग्राइंड करके। तो आप इन सारे मिक्स करना है। देखो हम यह सुखा जहा लगता है, पर आप इतने जो अद्धा कप सूजी ऐड कर लेनी है, या फिर चार टेबल स्पून तुम कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या करना, इनू आप चंगी तरह दबा दबा के इन पकाना है, ताकि ये सारी चंगी तरह पक जाए। तो इन्हें घे बिचों फिर छड़ देना। देखो हम सुखा लगता, देखो हाले थोड़ी देर बाद ही देखो इन्हें घे छड़ दिता है। तो तुम इनू मीडियम तो लो फ्लेम पर बनाना है, एन हौली हौली बढ़िया तरह बनना है। जिदा जिदा इन्हें पकना, ये सोहनी जी खुशबू आने लग पैनी, यदा कलर भी चेंज हो पैना जो बेसन आ, उन्हें बहुत ही परफेक्ट बनना है। तो यह टैक्सचर जोड़ा तुम आप फील करोगे कि इन्ना नाइस बनना है, क्योंकि हम त्यौहारों के दिन सारे लोग जो मिठाई वो बाय करते खरीदते हैं। तो उस वे वो जी बाहरली मिठाई होंगी इन्नी बढ़िया नहीं होंगी। फस्टली हम आप इतने एक कप शूगर ले आ, तो अद्धा कप वो पानी पा के आपू मिक्स करना। जी शूगर मैं बरीक ली आ, ठीक है। तो आप चाशनी बनानी, चाशनी जी आप बनानी आप एक तार वाली चाशनी बनानी है। तो इतने मैं ये कलर मैं यूज़ करूँगी फूड कलर येलो, तुम अपना कोई भी कर सकते हैं, पर बेसन लिए तो मोस्टली येलो ही चंगा लगता है। तो एक पीच कह सकते तुम वह लेना है। तो जिदा त्यौहारों के फिर मिठाई वधिया नहीं बनाते हैं, सो तुम बैटर या फिर तुम अपने लिए घर बनाओ मिठाई, जिनी भी खाओगे तो थोड़ा इदा लगेगा कि हैल्थी है। देखो एक तार बनती पई है। हम आप गैस ऑफ करके, गैस ऑफ विच ही आप बेसन के पहला आप जी चाशनी बनाई है वह आप मिक्स कर देनी है। मिक्स करन तो बाद फिर आप गैस का फ्लेम ऑन करना है। तो फिर आप उपर गैस रखना, जो फ्राई पैन वो रखना है, नहीं तो बेसन जोड़ा इट वर्गा हो जाना, थोड़े को खादा भी नहीं जाना। सो देखो हमने टैक्सचर कितना नाइस लगता है, कितना सोहना जो फ्राई पैन उन्हें सारा जो बेसन आ उस छड़ देता है, कितना नाइस बनया है। देखते ही थोड़ा दिल करूगा कि असी खा लीए छेती तो छेती। तो जिदा ये बहुत ही हैल्थी भी है, तुम देसी घे च बनाया, कोई आर्टिफिशियल ये कोई ऑयल नहीं यूज़ किया। तो जी घर की चीज़ बनी वह तो उद भी परफेक्ट होंगी है। देखो कि सोहना यह टैक्सचर जो बन के रेडी होया है। तो हम आप किसी कंटेनर के मूव कर देना है। कंटेनर तुम पहले ग्रीस करके रख लेना है, तो या फिर वो जरा फूड पेपर होंगे है वह यूज़ कर लेना। तो उस तो बाद स्पून के उत्ते माड़ा जहा घी ला लेना है। तो वो स्पून की हैल्प के नाल चंगी तरह सारिया साइडा तो आप इनू एक शेप दे देनी है कि एन सोहना बने। ये देखो एन सोहना बन गया। हुण आपां इहदे ते ड्राई फ्रूट ला देने, ड्राई फ्रूट जिहड़े तुहाडे फेवरेट तुसीं उह ला सकदे आ, जां फिर तुहानूं किसे तों एलर्जी आ तां तुसीं उहनूं कर सकते आ। मैं इहदे विच बदाम, अखरोट ते काजू यूज़ किया आ, मैं बहुत ही बरीक पाया आ। तो फिर आपां इहदी किसी भी कौली जां किसी चीज़ दी हैल्प दे नाल इहनूं माड़ा प्रैस कर देन, तां कि ड्राई फ्रूट उहदे विच एन फिक्स हो जाए चंगी तरह। उस तो बाद मैं 2 घंटे लिए इनू रूम टैंपरेचर पर रखा है। तुम फ्रीजर च, फ्रिज च कितने भी रख सकते हैं, जिदा साढ़े वैदर थोड़ा चेंज करके। मैं सिर्फ 2 घंटे इदे रखा है। तो हम आप पीस कट कर लेंगे। देखो कि सोहना बन के रेडी होया है, तो बहुत ही हैल्थी बनया है। तुम अपने घर में ऐसे बना सकते हैं ईजी। हम आप पीस कट लेंगे, जिन्हें थोड़ा पीस चाहिए उन्ने वो हिसाब से तुम मोटे पतले छोटे जिदा भी कर सकते हैं। तो जिस घर थोड़े गैसट आ रहे हैं, जिदा हम तुम दिवाली है, दिवाली के उत्ते आप मिठाई घरों बना के दे सकते हैं। मोस्टली असं फॉरन कंट्री वैसे साइड पर बनाने सारे, क्योंकि शॉप के उत्ते इन्नी वधिया नहीं मिलती, तो ना ही इन्नी ईजी अवेलेबल है इतने शॉप्स के उपर। तुम इन खा सकते हो। देखो मैं थोड़ा तोड़ के भी दिखाऊंगी कि सोहना बन के रेडी होया है। देखते सारे तुम जरूर बनायो, बना के खा के देखो इन्ना नाइस बनाया, तुम सरप्राइज रह जाना है। तो चलो मिलते हैं आप किसी होर वीडियो के नाल। वीडियो देखने लिए थैंक यू, बाय।